हेलो बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ में करेंगे चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट एड के आंसर दीज। ठीक है, तो आपको आज की डेट और डे लगा के हेडिंग देना है आंसर दीज चैप्टर 6 फर्स्ट एड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? सो द आंसर इज द हेल्प वी कैन गिव to an injured person is called first aid। जो इंसान को चोट लगती है उसे हम जो हेल्प करते हैं वो होता है फर्स्ट एड। नंबर टू इज व्हाट हैपन्स इन अ हिट स्ट्रोक। हिट स्ट्रोक में क्या होता है? द आंसर इज पर्सन फील फैंट और गिडी। They may also get a headache or a high fever। वो इंसान चक्कर जैसा महसूस करता है और उसे headache, सर का दर्द करना और high fever होना, जो heat stroke में होता है। Number three is how would you make an ORS? ORS कैसे बनाएंगे? जो heat stroke में लेते हैं डिहाइड्रेशन हो जाए तो सबसे पहले ये ORS लेते हैं, तो ये कैसे बनाते? आंसर इज टू प्रिपेयर ORS ऐड 4 स्पून्स ऑफ सुगर। 4 स्पून सुगर ऐड करनी है एंड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट। 1 स्पून सॉल्ट टू 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर में ऐड करना है। व्हाट वुड यू डू इफ समवंस क्लॉथ्स कॉट फायर। अगर किसी के कपड़े में आग लग जाती है, किसी और के कपड़े में, तो क्या करना चाहिए? आंसर इज थ्रो अ थिक सीट ओवर हिम और हर। उन पे थिक सीट फेंकनी चाहिए ताकि जो एयर का सप्लाई है वो बंद हो जाए। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ वुड यू हेल्प अ पर्सन Who is choking? किसी इंसान को choking मतलब खांसी, वो खाते वक्त कुछ विंड पाइप में अटक जाता है, इसे choking कहते हैं। तो उनकी हेल्प कैसे करेंगे? आंसर इज इफ़ अ पर्सन choking, अगर कोई इंसान को choking हो जाए, वी वुड हेल्प them by pressing the abdomen। हम उनकी कैसे हेल्प करेंगे? तो उनके पेट को प्रेस करके। नंबर 6 इज व्हाट इज अ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या चीज़ है? सो द आंसर इज द क्रैकिंग और ब्रेकिंग ऑफ अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। हड्डी का टूटना या क्रेक हो जाना, तिराड़ हो जाना, उसे फ्रैक्चर कहते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। ठीक है।